गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ेंगे आपकी जो बुक है आलो, उसका जो काव्य खंड है, उसका जो चैप्टर है घर की याद। आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके जो लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनका हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेखक परिचय भवानी प्रसाद मिश्र का। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है सर 1913 ईस्वी में हुआ था तिगरिया गांव में, जो कि पोषका बांध में पड़ता है, एमपी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है बच्चों, वो है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और इदनामम आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनको जो सम्मान मिले हैं बच्चों, वो है प्रमुख सम्मान इसमें से इनको मिला है साहित्य अकादमी का सम्मान, यानी कि पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है इन्हें। मध्य प्रदेश शासक का शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश के थे ये, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश जो सरकार है उन्होंने उसको शिखर का सम्मान से सम्मानित किया है। दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार मिला है इनको और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। तो ये सभी बच्चों इनके क्या थे? सम्मान थे। और इनकी जो मृत्यु हुई है बच्चों, वो सन 1985 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो इनके बारे में था। आइए आगे हम और साहित्य परिचय के बारे में जानते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी। देखिए, जो हमारे लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व। सहज लेखन का मतलब है बच्चों कि सहजता से लिखना, सरलता से लिखना, जो हर किसी की समझ में आ जाए। कुछ लेखक जब अपनी पोएट्री करते हैं, पोएम लिखते हैं, तो उसमें वो बहुत ज्यादा कुछ कठिन शब्दों को मिलाकर लिखते हैं, जो कई बार हमारी समझ से बाहर होते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। लेकिन इनकी जो कविता है घर की याद, वो इतनी ज्यादा सरल है कि कोई अगर हिंदी का स्टूडेंट भी नहीं है और वो उस कविता को जब पढ़ेगा तो उसकी भी समझ में वो कविता बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसलिए बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी जो कविता है, इनका जो लेखन है बहुत ही सहज है, और इनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी बहुत ही सहज है। अर्थात ये बहुत सीधे साधे साधारण से व्यक्ति थे। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं दृढ़ हैं, कठोर हैं, उनमें कुछ ऐसा है, लेकिन ये बहुत ही, इनका जो स्वभाव था बहुत ही सहज था, है ना। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? हमारी आजादी से पहले। तो उसके बाद जब जैसे जैसे हमारा देश आजाद हो रहा था, हमारे देश में जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे हमारे देश को आजाद करने के लिए, तो इन कवि ने भी उन आंदोलनों में क्या करा था, अपना सहयोग करा था, अपनी भागीदारी करी थी। उनमें से ये प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाड़मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। देखिए, गांधीवाद पर आस्था रखने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी के जो भी विचार थे, वो जो भी सोचते थे, समझते थे, उन सारी चीजों से ये कहीं ना कहीं क्या थे बच्चों, सहमत थे। और गांधी वाड़मय जो हिंदी खंड है हमारा, उसका इन्होंने क्या करा है, संपादन करा है, और उससे पे आधार पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। सेतु का काम करने का मतलब होता है किसी दो चीज के बीच को जोड़कर रखना। जब इन्होंने इस तरह के कार्य किए तो कहीं ना कहीं गांधी जी के बीच इन्होंने सेतु का काम किया, अर्थात गांधी जी के साथ इन्होंने सहयोग आंदोलनों में जब भाग लिया था, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा भी जुड़ चुके थे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। लय का मतलब होता है जैसे कि हमारे गाने में सुर ताल लय होते हैं, इसी तरह इनकी जो कविताएं हैं उसमें बहुत ही लय है, यानी कि कविता को हम बड़ी आसानी से सरलता से पढ़ सकते हैं और साथ में समझ सकते हैं। इस सहजता का सम्मान गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है।
जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से कनेक्टेड होते हो बच्चों, आपका किसी से संबंध होता है तो आपको उससे भी संबोधित किया जाता है, उस नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने अपनी कविता में जो गांधी जी चरखा चलाते थे उस चरखे का भी शायद वर्णन किया है, इसलिए इनको कविता का गांधी कहा गया है। इनकी कविताओं में जो लय है, सुर है, उसने गांधी जी किस प्रकार चरखा चला रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी बात बताई गई है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मकता से लगते वाक्य विन्यास हुई कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। देखिए, कवि वही होता है जो शब्दों के द्वारा एक अद्भुतता पैदा कर दे अपनी कविता में, एक अक्षरता पैदा कर दे कि सामने वाला जब उस कविता को पढ़े तो बहुत ही विस्मय हो जाए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाए, या फिर बहुत ही उत्साहित हो जाए या प्रेरित हो जाए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कविताओं को भी बहुत अद्भुत क्षमताएं प्राप्त की हैं। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। इसी वजह से उनकी जो कविताएं हैं वो सहजता और लोक का मतलब होता है बच्चों, लोक जनता जो होती है, यानी जहाँ आम, हम लोग आम समाज के बहुत ज्यादा करीब है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं कविताएं लिखते हैं प्रकृति के ऊपर, आसमान पे, आकाश में, सूर्य पे, लेकिन हम जो आम जनता है, हम जो लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, आम घरों में क्या हो रहा है, आम घरों की क्या कहानियां हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने कविता को लिखी जो बहुत ही सहज है, सरल है ना। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। देखिए, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर वो किसी विषय पे कविता लिख रहे हैं या किसी विषय पे वो कविता बना रहे हैं, है ना, तो उस विषय को उठाते हैं तो उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू का मतलब है बच्चों कि हमारे जो घरों में दैनिक दिनचर्याएं होती हैं, हमारे घरों में जो रोजमर्रा नई नई काम होते हैं, ये उस पर कहीं ना, या हमारे परिवार में जैसे हम अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे परिवार में जो भी घटनाएं घटती हैं, घर जैसा माहौल, अर्थात ये अपनी कविताओं को उसमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ढाल देते हैं। आंगन का पौधा शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। देखिए, आंगन का पौधा, जहां तक है पहले के जमाने की बात है, उस समय की कविताएं हैं, तो आंगन में सभी के पौधे लगे होते थे, खास तौर से तुलसी का पौधा, या फिर शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटियां की शाम हो चुकी है ना पहाड़ पे, और इस तरह से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परिवार को का एक अंग इन्होंने बताया है, परिवार से इन सारी चीजों को इन्होंने कनेक्ट किया है ना। जाहिर सी बात है कि आंगन का पौधा है तो परिवार में जब घर होते हैं, चाहे छोटा घर हो या बड़ा हो, तो कोई ना कोई आंगन में पौधा छोटा सा जरूर लगाता है। ये सारी चीजों को उन्होंने परिवार के साथ मेल जोल करके कविताएं बनाई हैं, उनको जोड़ा है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी। हमारे लेखक के बारे में बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी, वृद्धावस्था आप सभी जानते हो जब बुढ़ापा आता है, और जिस तरह से हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी जो मृत्यु है वो निकट आती जाती है, उससे रिलेटेड आत्मीय स्वर का मतलब है अपने अंदर की जो हमारी आत्मा है, हमारे अंदर की, अंदर से निकलने वाले जो हमारे स्वर है, आवाज है, उससे रिलेटेड भी इन्होंने क्या लिखी है, कविताएं लिखी है कि जब हम बुजुर्ग होते हैं, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो अंतरात्मा है वो क्या कहने की कोशिश करती है, उस पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्मान श्रृंगारिता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। प्रौढ़ प्रेम किसको कहते हैं बच्चों, जो प्रौढ़ एज आती है, आपकी एडल्ट एज जो आ जाती है, उसमें जब किसी को प्रेम होता है। देखिए, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, प्रेम का मतलब है माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम, पोते पोतियों से प्रेम, पत्नी से प्रेम। तो इस तरह से जो प्रेम होता है उस पर इन्होंने एक श्रृंगारिता की बजाय, श्रृंगारिता का मतलब है कि उसमें नायक नायिका के बारे में ना बताकर इन्होंने सहजीवन के सुख दुख
के बारे में और प्रेम की व्यंजना की है। अर्थात जब पति पत्नी साथ रहते हैं तो उनके जो सुख दुख हैं वो उन सुख दुखों को किस प्रकार से एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख को वो समझते हैं। दुख में दूसरा दुखी होता है तो पहला अगर दुखी है तो दूसरा भी दुखी है, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी से दूसरा भी खुश होता है। तो उन सारी चीजों को और प्रेम की आने उन्होंने इस पर भी बहुत अच्छी व्यंजना की अर्थात कविताएं लिखी हैं। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोक भरपूर है, है ना। नई कविता के दौर में जो नई कविता जिस तरह की निकलती है आपको पता है एक ही चीज हमेशा नहीं चलती है, समय आ रहते वो कहीं ना कहीं पुरानी हो जाती है। तो धीरे धीरे जब उन्होंने नई कविताएं लिखने की उस समय जब दौर आया था नई कवियों का, नई कविताओं का, तो मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोक भरपूर है। मतलब उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है, किस तरह का हमारा समाज है उन सारी चीजों को उसमें उकेरा गया है। किंतु वह प्रतिक्रिया परख न होकर सृजनात्मक है। देखिए जब उन्होंने इन कविताओं पे व्यंग किया तो उन्होंने अपनी उन कविताओं में प्रतिक्रिया, क्रिया यानी कि रिएक्ट नहीं किया उस चीज को, बल्कि उसमें सृजनात्मकता करा अर्थात कुछ नया करने की कोशिश करी। यदि हमारे समाज में परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो उन्होंने उस पर आलोचना नहीं करी, उसकी बुराई नहीं करी, बल्कि उसको दूसरे नजरिए से देखा और उसमें उसको कुछ नया करने की कोशिश करी। देखिए बच्चे जैसे दो पॉइंट होते हैं किसी भी चीज को, है ना। अगर कोई बात हो गई है तो डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आप उस चीज को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई उसको नेगेटिव थॉट में सोचता है, कोई पॉजिटिव में सोचता है। तो इसी तरह हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हैं, उन्होंने क्या करा है कि पॉजिटिव रूप में उन सारी चीजों को लिया है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। गांधीवाद पर आस्था रखने का मतलब बच्चों ये है कि वो आंदोलनों से जुड़े हुए थे, गांधी जी के साथ जुड़े थे और गांधी जी के जो भी विचार थे उन विचारों से वो क्या थे, पूरी तरह से सहमत थे, है ना। इस वजह से उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को, अहिंसा और सहनशीलता, अहिंसा आप जानते हो जहाँ पे हिंसा नहीं की जाती है, मारपीट नहीं की जाती है, और सहनशीलता का मतलब है कि आप किसी कार्य को कितने धैर्यपूर्वक कर रहे हो। कोई अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो आप शांत होकर उसकी आलोचना सुन रहे हो, आप सारी चीज सहन शक्ति है। तो उन सारी दोनों चीजों पर इन्होंने काफी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, अच्छी कविताएं करी हैं। अभिव्यक्त करना मतलब अपने विचारों को पूरी तरह से उनके बारे में लिखना। अब देखिए इनका जो पाठ है घर की याद, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि घर की याद में इन्होंने क्या रचनाएं लिखी है, क्या कविता लिखी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। घर के मर्म का मतलब है बच्चों घर के अंदर क्या दुख है, उस रहस्य को कहीं ना कहीं इन्होंने उद्घाटित किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और इन्होंने गांधी जी के साथ उसमें सहयोग किया था। अब जाहिर सी बात है जब वो आंदोलन हो रहे थे तो बहुत सारे लोग बिना बात के उनको, अंग्रेज जो लोग थे वो जेलों में डाल दिया करते थे। तो उनमें से हमारे एक भवानी मिश्र भी हैं, कवि हैं, कि जब वो जेल में चले जाते हैं, जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, उस दौरान घर से जब वो विस्थापित हो जाते हैं अर्थात घर से वो अलग हो जाते हैं तो उनको किस तरह की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो किस तरह से उनको क्या करता है, सताता है। अर्थात उन्होंने ये सारी बातों का इसमें समावेश किया है कि जब वो अपने घर से बहुत दूर थे तो उनको अपने घर की याद किस तरह से सताती है, वो जो दर्द है घर से दूर होने का, परिवार से दूर होने का, वो उनको किस तरह से दर्द देता है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं।
कभी बता रहे हैं कभी के बारे में ही कि वो अपने बारे में, कि जब वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, उनकी जब उन्हें याद आती है, स्मृति यानी याद आती है, उस याद के संसार में, स्मृति के संसार में उनके जो परिवार वाले हैं, परिवार के जो एक एक सदस्य हैं, वो धीरे धीरे उसमें शामिल होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए उनके परिवार में जैसे उनके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहने हैं, तो वो पहले अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, फिर वो अपने पिताओं के बारे में सोच रहे हैं। एकदम से तो हम सबके बारे में नहीं सोच पाते हैं ना, अगर हम याद करते हैं अपने घर परिवार के सदस्यों को तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह जब कवि जेल में बंद थे तो उनको जब अपने परिवार की, घर संसार की याद आती है तो वो अपने मम्मी पापा भाई बहन उन सबके बारे में धीरे धीरे सोचते हैं। अर्थात इस कविता में उनका जो परिवार के एक एक सदस्य है वो शामिल होते जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। देखिए, घर की अवधारणा की सार्थक, सार्थक यानी कि सार्थक होने का सब कुछ, और मर्म जो ये सब चीजें हैं कविता का केंद्रीय संवेदन है। देखिए, आप जानते हैं हर चीज का एक पॉइंट होता है, केंद्र होता है ना, किसी बात को, किसी टॉपिक को हम केंद्र में रखकर बात करते हैं। इसी तरह ये बता रहे हैं कि कविता का जो दर्द है, जो मर्म है, वो कहीं ना कहीं कविता की संवेदनाएं हैं, उसमें कि किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह का दर्द है, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो बच्चों, ये था भवानी शाह मिश्र का लेखक परिचय और साहित्य परिचय, साथ में ही आपकी जो कविता है उसका शॉर्ट रूप। तो आप जब ये वीडियो खोलकर देखें तो बुक्स जरूर पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।